हेलो क्लास 10, आई एम योर रश्मि एंड दिस इज़ योर हिंदी क्लास। पिछली क्लासेस में मैंने आपको वाक्य के विषय में बताया था कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग बताया था। फिर मैंने दूसरी क्लास में वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, ये दोनों प्रकार के आधारों पर मैंने भेद बताए थे। आज मैं आपको वाक्य परिवर्तन कैसे होता है ये बताऊँगी। वाक्य परिवर्तन किसे कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए कि जब हम वाक्य की रचना को इस प्रकार परिवर्तित करते हैं कि उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना आए, उसका अर्थ डिस्टर्ब ना हो, तो ऐसे प्रोसेस को या ऐसी क्रिया को हम वाक्य परिवर्तन कहते हैं या वाक्य का रूपांतरण कहते हैं। यहाँ पर कुछ विशेष बातें हैं जिनको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो वाक्य परिवर्तन के समय वाक्य रचना चाहिए, न कि अर्थ। वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमको वाक्य की रचना बदलनी होती है। दूसरा है, सरल वाक्यों को संयुक्त अथवा मिश्र वाक्य बनाते समय योजकों का प्रयोग करना चाहिए। योजक अर्थात जो जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे इसलिए, ताकि, चूंकि, इस तरह के शब्दों का प्रयोग योजक के रूप में करना चाहिए। फिर संयुक्त अथवा मिश्र वाक्य को सरल वाक्य बनाते समय योजकों का लोप होना चाहिए। लोप होने का अर्थ होता है उसको गायब करना, योजकों का लोप होने का अर्थ होता है योजकों को हटाना। अब हम वाक्य परिवर्तन के विषय में जानेंगे कि वाक्य परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो पहले हम वाक्य परिवर्तन देखेंगे कि साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में किस प्रकार परिवर्तन होता है। एक साधारण वाक्य है, आलसी होने के कारण वह विफल हुआ। विफल का मतलब होता है असफल होना। आलसी होने के कारण वह विफल हुआ, इसमें उद्देश्य और विधेय है या सरल वाक्य है। अब हमको इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। संयुक्त वाक्य की पहचान है कि वह योजक से दो सरल वाक्य या मिश्र वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। तो हम इसको, इस वाक्य को इस प्रकार से रूपांतरित करेंगे कि ये दो सरल वाक्यों में बदल जाए और हम इसको एक योजक से जोड़ सकें। तो इसको संयुक्त वाक्य हम बनाएंगे, वह आलसी था इसलिए विफल हुआ। देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस हो गया, वह आलसी था पहला सेंटेंस, इसलिए विफल हुआ, ये हो गया दूसरा सेंटेंस। अब ये दो सेंटेंस जो हैं वो इसलिए योजक से जुड़े हुए हैं। तो ऊपर का जो है सरल वाक्य और नीचे का संयुक्त वाक्य, इसका अर्थ नहीं बदला है, सिर्फ इसका रूप बदला है। एक और उदाहरण, हालदार का प्रश्न सुनकर वह हंसा। इसमें उद्देश्य और विधेय का आधार पर यह सरल वाक्य है और अब हम इसका संयुक्त वाक्य बनाएंगे। संयुक्त वाक्य एक योजक से जुड़ा हुआ और आप इसमें देख सकते हैं कि यह योजक और लगा हुआ है। उसने हालदार का प्रश्न सुना पहला वाक्य और योजक वह हंसा दूसरा वाक्य। यह एक वाक्य इन दो वाक्यों में बट गया और योजक से जुड़ गया। इसके बाद अगला परिवर्तन होगा साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण। साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य। साधारण वाक्य, वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। मिश्र वाक्य क्या होता है, इसकी पहचान ये होती है कि एक उपवाक्य होता है जो मुख्य वाक्य पर डिपेंड होता है या आश्रित होता है। तो हमको एक ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें एक उपवाक्य हो और वो डिपेंडेड हो। तो इसको हम बनाएंगे ऐसे, वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे जूते खरीदने थे। अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ इसका रचना बदला हुआ है। इसी तरह से एक और उदाहरण, निर्दयी मनुष्य समान है, इसका मिश्र वाक्य बनेगा, जो मनुष्य निर्दय है वह राक्षस के समान है। मिश्र वाक्य की एक पहचान ये भी हम मान सकते हैं कि वाक्य अगर एक, दोनों में से कोई एक वाक्य अगर हम लेते हैं तो वो इनकम्प्लीट होगा, वो अधूरा होगा, सेंस कम्प्लीट नहीं देगा। तो जब तक हम उस पर डिपेंडेड वाक्य उसके साथ नहीं जोड़ते हैं, तो ये होता है मिश्र का पहचान, मिश्र वाक्य का। तो जो मनुष्य निर्दयी है, तो इसके आगे हम इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमको और चाहिए, तो ये हो गया वह राक्षस के समान है, ये हो गया मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है संयुक्त से सरल वाक्य रूप
संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य देखिए, जो योजक से जुड़ा हो, उसने मेहनत की और सफल हुआ, इसका सरल वाक्य क्या बनेगा? वह मेहनत करने से सफल हुआ। एक और उदाहरण देखिए, अध्यापक गए और बच्चे शोर मचाने लगे, वाक्य हम बनाएंगे अध्यापक के जाते ही बच्चे शोर मचाने लगे। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य का रूपांतरण कैसे होता है? तो एक संयुक्त वाक्य देखिए, तुम सच बोलते हो इसलिए महान हो, इसलिए योजक से जुड़ा हुआ है दो सेंटेंस। अब हम इसका मिश्र वाक्य बनाएंगे, तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। आपको जब मैं ये मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य समझा रही थी तो उसमें योजकों का प्रयोग मैंने बताया था कि एक तो होता है कारण बताता है और एक परिणाम बताता है। जो कारण जो योजक कारण के लिए प्रयुक्त होता है वह मिश्र होता है और जो परिणाम बताता है वो संयुक्त होता है। तो ये दोनों प्रकार के योजक से प्रयोग होते हैं तो इनका रूप वाक्य का रूप चेंज हो जाता है, एक मिश्र होता है और एक संयुक्त हो जाता है। अगला संयुक्त वाक्य देखिए, रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया, इसका मिश्र वाक्य बनेगा आकाश में तारों का मेला लग गया क्योंकि रात हो गई थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वाक्य का परिवर्तन जब हम करते हैं तो उसका सिर्फ रूप परिवर्तित होता है न कि अर्थ। इसके बाद आगे मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में, मिश्र वाक्य है उसने कहा कि वह बहुत बुद्धिमान है, इसको हम सरल वाक्य में परिवर्तित करेंगे, उसने स्वयं को बुद्धिमान कहा, एक सिंपल सेंटेंस बना दिया हमने। एक और उदाहरण, जिन बालकों ने शोर मचाया था वे पकड़ लिए गए हैं, शोर मचाने वाले बालक पकड़ लिए गए हैं, सिंपल सेंटेंस बना दिया। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तन होता है? एक मिश्र वाक्य लेंगे, उदाहरण, यदि वह तेज़ दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती, इसको हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करेंगे। संयुक्त वाक्य मतलब दो वाक्य जुड़े हों, वह तेज़ दौड़ता और गाड़ी मिल जाती। अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ वाक्य की रचना में परिवर्तन है। अगला उदाहरण, जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए, इसका संयुक्त वाक्य, सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए। इसके बाद एक साथ यहाँ पर है, साधारण से संयुक्त से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। एक ही वाक्य के तीनों रूप, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य इसका, मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, योजक से जुड़ा हुआ है। फिर मिश्र वाक्य, जैसे ही मूर्तिकार ने सुना वैसे ही जवाब दिया, इसको हम ऐसे भी बना सकते थे कि जब मूर्तिकार ने सुना तब जवाब दिया, ऐसे भी बना सकते थे। नेक्स्ट, उनकी शर्त मानकर वह भारत आए, सरल वाक्य, उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए, संयुक्त वाक्य, वह आ गए क्योंकि उनकी शर्त मान ली गई, यह हो गया मिश्र वाक्य। एक ही वाक्य को तीनों रूपों में हमने परिवर्तित किया लेकिन इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये था बच्चों वाक्य रूपांतरण। थैंक यू सो मच।